रविवार की रात शाहपुर थाना अंतर्गत चार फाटक ओवरब्रिज के पास प्रॉपर्टी डीलर संतोष साहनी की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के मद्देनजर सोमवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मृतक के मोहद्दीपुर स्थित घर पहुंचे और परिवार का ढाढ़स बढ़ाया। संजय निषाद ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। इस मौके पर मृतक के घर सीओ क्राइम प्रवीण सिंह भी उपस्थित रहे। काफी देर चली संजय निषाद और सीओ क्राइम के बीच बातचीत में सामने आया कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना के बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि प्रशासन का सहयोग मिल रहा है और आला अधिकारियों से उनकी बात भी हुई है। अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो निषाद समाज आंदोलन करने पर विवश होगा। मौजूद है, बात हुई आपकी, क्या बातचीत हुई अब तक? अब इन्होंने कहा कि मैंने चिन्हित कर लिया, कुछ लोगों को उठा लिया हूँ और नामजद है और पहले से क्रिमिनल था और सीधे साधे परिवार के साथ उसने घटनाएं की हैं और कैसे हुआ इन्होंने कहा हम जांच का विषय है और उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूँ कि वो अपराधी वही है जिसने उन्होंने कत्ल किया है और एफआईआर भी कर लिया और उन्होंने नामजद कर लिया है। अब उनके परिवार के लोग गिरफ्तार हैं, उन्होंने क्राइम ब्रांच देख रहे हैं इस साहब और इन्होंने आश्वस्त किया कि हम अभी अपने सूत्रों के द्वारा उसको प्रशासन तरीके से गिरफ्तार करें। जब प्रशासन के उसमें अगर नामजद कर लिया है तो हम उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमको और मैं उम्मीद करता हूँ अगर न्याय नहीं किया तो फिर हमारा समाज उनके साथ आंदोलन करने की तैयार रहेगा, किसी भी आंदोलन करने की तैयार रहेगा। आप में मानेंगे कि प्रशासनिक सहयोग इस मामले में प्रशासनिक सहयोग आपको मिला है ना? अभी डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी जैसा भी हो सकता है कि मैं उनको सहायता राशि भी करवाता हूँ और किसी भी तरीके से नहीं करवाता। अब आप इसमें चूँकि मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन से कि जो हमारा समाज कमजोर है और उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। अब कैसे करते हैं हमें जाना है और किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये घटना इस तरीके का भी सांसद बनने बाद पहली बार इतनी दुखद घटना हो गया, उसके लिए मैं देख सकता हूँ। अब इनकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से अपने आला अफसरों को निर्देश जारी करते हैं, कम से कम हमारे समाज को, जो हमारे समाज के लोगों ने आगे बढ़ के सांसद बनाया तो उस समाज को अब पीड़ा न हो, उसके साथ कोई अन्याय न हो, कैसे करते हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है और तुरंत अब इनको जिम्मेदारी बनती है हम लोगों को किसी भी प्रकार का कहीं हम लोगों को सड़क पर न उतरना पड़े, अब कैसे करते हैं जिम्मेदारी है। अभी उम्मीद करता हूँ।